आदेश आदेश आदेश, नवरात्र चल रहे हैं। 25 तारीख को पांचवा नौरता, 26 को छठा नौरता, 27 को सातवा नौरता, 28 को दुर्गा अष्टमी यानी आठवा नौरता। दुर्गा अष्टमी के दिन यज्ञ होते हैं, दुर्गा अष्टमी के दिन माता जी के नैवेद्य होते हैं। 29 तारीख को नवरात्रि की पूर्णाहुति होती है और वो नवमा नौरता है। 30 तारीख विजयादशमी दशहरा। अब सब जानते हैं उस दिन रावण दहन से लेके बहुत प्रोग्राम होते हैं, विजय दिवस से मनाया जाता है इसको। और 1 तारीख को एकादशी। नवरात्रि की ही बात चल रही थी हमारी, और नवरात्रि की ही बात करें। नवरात्रि नवरात्रियों का समूह, और जगत के अंदर जब जब आपत्ति आई तभी ईश्वरों ने माता जी को आह्वान किया, और माता जी ने कई शक्तियों एकत्रित करके आती चंडमुंड से लेकर महिषासुरवर्दिनी अलग अलग कई राक्षसों का नाश किया। ऐसे हमारे जीवन में भी शक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। शक्ति हर एक में जरूरी है। बहुत पैसे हैं, सब कुछ है, मगर शक्ति ही नहीं होगी तुम कुछ नहीं कर पाते। यही शक्ति की आराधना का ये पर्व। 30 तारीख को साथ साथ बुद्ध जयंती भी है, भगवान बुद्ध की जयंती। भगवान बुद्ध ने जगत को एक अलग ही संदेश दिया, और वो संदेश था शांति का। आज जगत को बुद्ध की याद आती होगी, क्योंकि शांति की जगह है। मगर हमारे दिमाग में शांति लाने के लिए भी माँ की आराधना बहुत जरूरी है, याद रखने की आवश्यकता है सबको। अस्तु, शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।